डी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, सोयाबीन, गेहूं, लहसुन, आलू और चौकी। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से हम भाव पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। और आज जो ट्रेंड्स रहे उस पर आपसे चर्चा होगी, और साथ ही आगे क्योंकि त्योहारी सीजन भी चल रहा है तो उसका बाजार किस तरह का रहेगा, किसानों को किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी आपसे चर्चा होगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में चमके अरहर के भाव, दाहोद और जम्बूसर मंडी में 200 रुपए की बढ़त। धोराजी मंडी में 225 रुपए चढ़कर 4,005 रुपए पर पहुंची सोयाबीन। महरौनी मंडी में 4,400 रुपए पर हुए सौदे। और जोधपुर मंडी में 2,000 रुपए पर हुई आलू की खरीद। अलीगढ़ मंडी में 2,050 रुपए पर हुआ कारोबार। और मंडी खबर की शुरुआत करते हैं अरहर की खबर के साथ। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को अरहर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में अरहर के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। अरहर के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शुक्रवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 17 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 7,200 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 200 रुपए उछलकर 7,400 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की जम्मूसर मंडी में भी अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 18 अक्टूबर को इसका भाव 200 रुपए चढ़कर 8,400 रुपए से 8,600 रुपए पर पहुंच गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी अरहर के भाव में तेजी रही। यहां 17 अक्टूबर को इसका भाव रहा 7,750 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 125 रुपए बढ़कर 7,875 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की मिर्जापुर मंडी में 17 अक्टूबर को अरहर के सौदे 10,625 रुपए पर हुए। 18 अक्टूबर को यहां इसका भाव 25 रुपए की तेजी के बाद 10,650 रुपए हो गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भी अरहर के भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 18 अक्टूबर को अरहर 100 रुपए चढ़कर 10,500 रुपए पर बिकी, जबकि 17 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 10,400 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 1,05,000 टन की बढ़त हो सकती है। और अरहर पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। सर, अभी अरहर पर हमने रिपोर्ट देखी, क्या लगता है, क्या स्थिति है फिलहाल मंडियों में अरहर को लेकर, और आने वाले समय में किस तरह का प्रभाव रहेगा बाजार पर? जी, अरहर की बात की जाए तो अभी हमने कीमतों में देखा है कि तेजी का रुख बना हुआ, और मुझे लगता है कि जिस तरह से इसकी मांग में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है तो आने वाले कुछ दिनों तक, मतलब मेरे विचार से महीने डेढ़ महीने तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आने वाले दिनों में भी मांग में तेजी की संभावना है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अरहर की कीमतों में ये तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में भी जो ये तेजी है कीमतों में ये जारी रहेगी, तो क्या लगता है कि इससे किसानों को किस तरह से फायदा उठाना चाहिए, किस तरह की योजना होनी चाहिए, क्या उन्हें कुछ स्टॉक रोक लेना चाहिए क्योंकि त्योहारी सीजन भी है तो धन की अभी आवश्यकता होती है, किस तरह की योजना होनी चाहिए किसानों? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से हमें लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेजी होगी तो किसानों को बिल्कुल अपना माल थोड़ा रोकना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है महीने दिन का भी अगर वो इंतजार करेंगे तो अभी के वर्तमान मूल्य से और वो बेहतर मूल्य पा सकेंगे वो। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार और फायदा काफी ज्यादा, ये कह रहा है हमारे एक्सपर्ट का शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सोयाबीन की।
शुक्रवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में सोयाबीन के भाव चमके तो कहीं सोयाबीन की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। सोयाबीन के कारोबार पर देखिए रिपोर्ट। मंडियों में शुक्रवार को सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 17 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,550 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 50 रुपए चढ़कर 4,600 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में भी सोयाबीन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 17 अक्टूबर को इसका भाव रहा 3,780 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 225 रुपए की मजबूती के बाद 4,005 रुपए पर पहुंच गया। वहीं गुजरात की वी सावदर मंडी में 18 अक्टूबर को सोयाबीन का कारोबार 3,855 रुपए पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इस दौरान सोयाबीन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 अक्टूबर को इसका भाव 4,400 रुपए पर टिका रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी इजाफा होगा। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। बिल्कुल, तो देखा कि अभी आपने रिपोर्ट में सोयाबीन के बारे में हमने बताया, और आइए बाजार के जानकार हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए। सर, सोयाबीन के बारे में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, सोयाबीन की बात करें तो हमने देखा है पिछले दिनों इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है, उतार चढ़ाव बना हुआ है। पर अब मेरे विचार से समय आ गया है, जिस तरह से हमने देखा है कि इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि सोयाबीन के भी भाव में आने वाले समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो है हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट क्लियर नहीं, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, तो क्या यहाँ पर भी किसानों के लिए बेहतर यही रहेगा कि कुछ समय इंतजार करें या फिर स्टॉक रोक ले, थोड़ा रोके, कितना रोके, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तरफ आने वाले समय में डिमांड और अच्छी बढ़ने की उम्मीद है, दूसरी जैसे हमने देखा है एमएसपी में 292 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, तो ये दोनों फैक्टर मिलकर आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख प्रदान करेंगे। किसानों को मेरी राय होगी थोड़ा इंतजार करें, आने वाले दिनों में और भी बेहतर मुनाफा ले पाएंगे। बिल्कुल, तो एमएसपी का देखिए लगातार किसानों को लाभ हो रहा है, और जहां एक तरफ एमएसपी बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ बाजार में सोयाबीन की मांग भी आने वाले समय में और बेहतर निकल कर आएगी, यानी कह सकते हैं कि दोहरा फायदा हमारे किसानों को हो सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बाजरा की, नज़र डालते हैं बाजरा के भाव पर। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से, जहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भाव रहा 3,450 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,349 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,310 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के सिलसिले में जानेंगे लहसुन के बारे में, लेकिन पहले नजर गेहूं पर। गेहूं की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान गेहूं का औसत साप्ताहिक भाव 2,666 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 21 रुपए बढ़कर 2,687 रुपए प्रति क्विंटल पर हो गया।
अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की बात करें तो गेहूं के भाव में 48 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2735 रुपए, जबकि अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान गेहूं के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 14 रुपए टूटकर 2721 रुपए हो गया। अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान इसमें खासी आवक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 1 तारीख को लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2600 रुपए, 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2620 रुपए, यानी 2620 रुपए प्रति क्विंटल। 14 अक्टूबर को भी यहां गेहूं का भाव 20 रुपए बढ़कर 2640 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 17 अक्टूबर को यहां गेहूं के भाव में 10 रुपए की कमजोरी देखने को मिली और भाव 2630 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं अगर हम सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने की गेहूं की औसत मासिक भाव की बात करें तो देखने को मिली है यहां पर जो बात वो ये है कि सितंबर महीने के दौरान गेहूं का औसत मासिक भाव 2631 रुपए प्रति क्विंटल था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 58 रुपए की तेजी आई और भाव 2689 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। यहां भी भाव आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा ट्रेंड रहा। वहीं आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव की बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रह सकती है, अभी का जो ट्रेंड है क्या ये जारी रहेगा, अगर इसमें किसी तरह का बदलाव होगा तो कैसा बदलाव रहेगा, सर गेहूं के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो ट्रेंड हमने देखा है पिछले सितंबर से अक्टूबर महीने में, आने वाले समय में इसकी कीमतों में ये तेजी का ट्रेंड जारी रहेगा। गेहूं हमने देखा काफी फायदा रहा किसानों को जी, आने वाले समय में मुझे लगता है और भी इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां त्योहारी मांग शादी ब्याह की मांग निकल कर आएगी, वहीं दूसरी तरफ अगर उपज की बात करें तो गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है, आने वाले दिनों में को मिलेगी। दूसरी तरफ बीज की डिमांड निकल के आएगी, तो मुझे लगता है गेहूं में जो तेजी का सिलसिला है वो आने वाले महीने में भी कायम रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का सिलसिला आने वाले महीनों में भी तेज रहेगा, बेहतर रहेगा, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। और खास तौर पर चाहे वो त्योहारी सीजन हो या फिर उसके बाद जो तमाम तरह के उत्सव होते हैं उनको देखते हुए भी हम जानते हैं कि गेहूं की मांग, क्योंकि आटे की मांग बढ़ती है तो गेहूं की मांग भी निकल कर सामने आती है। अब बात करते हैं धनिया की। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 6800 रुपए, आप देख सकते हैं भाव स्क्रीन पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 13,000 रुपए और यहीं की पुणे मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए। और आइए बात करते हैं फलों में पपीता की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीते का भाव रहा 1,600 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए, राजस्थान के श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 3,060 रुपए। अब नजर डालते हैं लहसुन पर। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके औसत उठापटक के साथ भाव देखने को मिले। सितंबर महीने के दौरान चौथे सप्ताह के दौरान लहसुन का जो औसत साप्ताहिक भाव था वो था 22,496 रुपए प्रति क्विंटल। अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान लहसुन के सौदों में गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप सभी आंकड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं, और भाव 352 रुपए टूटकर 22,144 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान लहसुन के भाव में 2,057 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव हो गया 24,201 रुपए। वहीं अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान भी लहसुन के सौदों में तेजी देखने को मिली और औसत भाव जो भाव था उसकी बात करें तो इस भाव में हमने देखा कि बढ़ोतरी हुई है 829 रुपए की और भाव 25,030 रुपए पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने के दौरान लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात के राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 22,150 रुपए, 7 अक्टूबर को इसके सौदों में 725 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 22,875 रुपए प्रति क्विंटल। 11 अक्टूबर को भी यहां गेहूं का भाव 375 रुपए बढ़कर 23,000, आप देख सकते हैं कि लहसुन के भाव की बात कर रहे हैं, जो भाव है वो बढ़कर 23,250 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह 17 अक्टूबर को यहां लहसुन के भाव में 500 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 23,750 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया।
सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में लहसुन के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली और सितंबर महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव 22,742 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान लहसुन के सौदों में 419 रुपए की तेजी आई और भाव 23,161 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में लहसुन के बाजार भाव की बात करें तो इस पर एक्सपर्ट की राय अब जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। सर, लहसुन का आप देख रहे हैं कि भाव किस तरीके से रहा, क्या लगता है कितना गर्म रहेगा या कितना और नरम रहेगा बाजार? नहीं, नरमी की तो अभी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है महीने डेढ़ महीने काफी तक ट्रेंड चला आ रहा है सर। जी हाँ, इस बार लहसुन के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है और ये फायदा महीने डेढ़ महीने तक और उनको मिल सकता है। जहां तक भाव में नरमी की बात है, जब नई फसल की आवक शुरू होने के बाद ही इसकी कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा, तब तक लहसुन की कीमतों में जो तेजी का सिलसिला है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, तो लहसुन के किसानों के लिए बहुत अच्छा फिलहाल समय बना हुआ है और आने वाले एक डेढ़ महीने भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आलू का हाल। आप देखते रहे मंडी खबर, बने रहे हमारे साथ। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं आलू की। शुक्रवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में आलू का भाव रहा 2,600 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू की खरीद 1,500 रुपए पर हुई। राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू 2,000 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज गिरावट है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो 21 सितंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करते हैं आलू पर श्री श्रीवास्तव जी से। सर, आलू की स्थिति क्या नजर आ रही है? मुझे लगता है आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में धीरे धीरे करके अब गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। जी हाँ, नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों में और गिरावट होगी, तो अब आलू की कीमतों में धीरे धीरे गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आलू की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, और आलू तो एक ऐसी फसल है जिसे हम स्टोर ही करते हैं, मतलब काफ़ी इसको लेकर हमारे किसान भी जानते हैं कि काफ़ी फैसिलिटीज़ भी है, तो फिलहाल सर क्या करें, मतलब जो स्टोर में है उसे रखें निकाल ही दें, क्योंकि आ रहे तो नई फसल आने वाली। मेरे विचार से अब जो जिन किसानों के स्टोर में आलू रखे हुए हैं उनको निकाल देना चाहिए, कुछ दिनों में नई फसल के आने के बाद पुरानी आलू की कीमतों पर और भी दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही सही फैसला रहेगा किसानों के लिए हमारे एक्सपर्ट के अनुसार। आइए बढ़ते हैं आगे, अनार की बात कर लेते हैं। और अनार में हम सबसे पहले नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी पर, जहां पर आप देख रहे हैं अनार का भाव रहा 13,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,700 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 15,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,250 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब सब्जियों की बात करते हैं, और सब्जियों में सबसे पहले नजर अब भिंडी पर।
तो गुजरात की राजकोट मंडी में यहाँ पर भाव आप देख पा रहे हैं कि भिंडी के जो भाव रहे वो रहे 1875 रुपये। वहीं अगर हम पुणे मंडी की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2500 रुपये रहे। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3000 रुपये और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 2160 रुपये। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं आखिर में जौ की। जौ की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 2000 रुपए, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में जौ के सौदे 2430 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2425 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की MSP साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आइए बात कर लेते हैं जौ पर। श्री श्रीवास्तव जी से सर क्या कहेंगे, MSP इसमें भी बढ़ा है? जी हाँ, ये MSP की अच्छी बात है, घोषणा हुई है जो बढ़ोतरी की। वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में सर्दियों के डिमांड बढ़ने के कारण जौ की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। दोहरा फैक्टर काम करेगा, एक तरफ जहाँ MSP में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में इसकी डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, डिमांड में भी तेजी देखने को मिलेगी। और सर हम देख भी रहे कि इन फसलों का भी बाजार बड़ा विस्तार ले रहा है धीरे धीरे, तो किसानों को किस तरह का आगे अपना फैसला रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी आपने बिल्कुल सही कहा है, जो भी हमने देखा है मोटे अन्न जो श्री अन्न है उनकी घरेलू डिमांड तो बढ़ी ही है, साथ साथ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी। जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है निश्चित रूप से उनको इंतजार करना चाहिए, आने वाले दिनों में उन्हें और भी बेहतर मुनाफा मिलेगा मंडियों में। जी जी, तो बिल्कुल, तो ये है किसानों के लिए सलाह। आइए बढ़ते हैं आगे जौ के बाद, अब बात करते हैं करेला की। गुजरात की दाहोद मंडी में करेले का भाव रहा 3,500 रुपये। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की श्रीगंगानगर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,500 रुपये। स्क्रीन पर सभी भाव आप देख रहे हैं। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये, उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 2,310 रुपये। और सर आपकी एक बार इस पर भी एडवाइस हो जाए, क्या कहना चाहेंगे किसानों को? जी, मेरे विचार से आने वाले दिनों में अगर टिप्स की बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां त्योहारी मांग, शादी ब्याह की मांग के कारण इसकी डिमांड अच्छी निकलेगी, वहीं दूसरी तरफ बुआई शुरू हो चुकी है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बुआई की संभावना है और इससे इसकी डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी। गेहूँ की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये थी हमारे आज के विशेषज्ञ की सलाह, खासतौर पर गेहूँ के बारे में, जिसमें हमने बताया और इस वक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण कमोडिटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और किसानों को आगे भी फायदा हो, इसीलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं QR कोड को स्कैन करें और DD किसान चैनल को यूट्यूब पर भी देखें और वहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट देकर अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचाते रहें। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे विदा, नमस्कार, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।